वो भी इस पे से आउट हो जाए डिस्प्ले पे से, ताकि आपकी ब्रेकिंग में कोई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव, आईआरबी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ, 3M का स्टेनलेस स्टील क्लीनर और पॉलिश। ये बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। अगर आप सुपर बाइक ओनर हैं तो मैक्सिमम सुपर बाइक ओनर्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी डिस्प्लेट्स में रस्ट आ जाता है। रस्ट आने का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब हम अपनी सुपर बाइक्स को एक हाई स्पीड पे ले जाते हैं, हाई स्पीड पे ले जाने के बाद एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। जब लो स्पीड पे लाए, गाड़ी की डिस्प्लेट गर्म होती है, गर्म होने के बाद क्या होता है, उन डिस्प्लेट्स में जल्दी रस्ट दिखने को मिलता है। जब बार बार हम ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग करने के बाद गाड़ी धुलती है, धुलने के बाद उसमें रस्ट आता है, और ये प्रॉब्लम कई बार कई सुपर बाइक्स ओनर्स को फेस करने में मिलती है। उसी के तहत ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है जो आपकी बाइक की डिस्प्लेट्स को बहुत क्लीन करेगा, बिल्कुल लाइक न्यू कर देता है ये प्रोडक्ट, और इसे आप अपनी बाइक पे सेफली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 3M कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ये कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं है, मैं अपनी ऑलरेडी पहले ही बाइक्स पे यूज़ कर चुका हूँ, इसीलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हायाबुसा बाइक की डिस्प्लेट को इससे क्लीन करने के लिए। देखते हैं कैसा होता है क्लीनिंग। ये आप देख सकते हैं, ये रस्ट पार्टिकल्स हैं, ये आप कितना मतलब कितना ज़्यादा रस्ट आ चुका है, क्योंकि एक्चुअली में रस्ट आने का कारण नॉर्मल बाइक्स पे हमें कम रस्ट देखने को मिलता है, सुपर बाइक्स पे इसलिए आता है कि जब हम ब्रेकिंग ली जाती है, क्योंकि हाई स्पीड्स पे दौड़ती हैं ये बाइकें, और जब हाई स्पीड पे दौड़ती हैं तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर चली जाती है डिस्प्लेट, जिसकी वजह से ही ये पूरा एकदम रेड हो जाता है, और उस प्रॉब्लम की वजह से इन पर रस्ट दिखता है। इस रस्ट को ही क्लीन करना कोई भी नहीं चाहेगा, कि उसकी बाइक की डिस्प्लेट भी गंदी दिखाई दे या कुछ और भी चीज़ें, तो ये प्रोडक्ट उसी के लिए है। अब आगे भी बढ़ा लो इसे, मेरे पीछे वाला तो दिख भी ज्यादा रहा है। इसे आपको पूरी डिस्प्लेट पे लगा लेना है, और लगाने के बाद अप्रॉक्स 10 मिनट आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्प्लेट ही नहीं, मतलब आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं जहाँ आपका रस्टिंग इशू हो, किसी भी प्रोडक्ट पे। अब आप हाथ में एक स्क्रॉच ब्राइट ले लें, और जो इस पर आपने लगाया था स्प्रे, इसे थोड़ा सा आप रब कर सकते हैं इससे, और सारा रस्ट आउट हो जाएगा। ये वाली बात और होती है कि हल्का हल्का धूल मिट्टी आ जाए तो उससे भी स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो भी खराब हो जाती है। ये तो मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, बता रहे थे ना सुजुकी वाला, सर्विस वाला। ये देख सकते हैं सारा रस्ट रिमूव हो रहा है धीरे धीरे, डिस्प्ले आपका बिल्कुल क्लीन हो गया नए जैसा। इसी वाली वजह सबसे ज्यादा था अभी रस्ट, भैया जैसे कई आज बारिश हो ना, बारिश नहीं, हीटिंग की वजह से होता है, हाई स्पीड पे बाइकें दौड़ती हैं, उसके बाद जब भी ठंडा होता है तो चाहे बरसात जाड़ेगा ही क्यों ना हो, मॉइस्चर उससे ही रस्ट पकड़ लेता है, हाई स्पीड की वजह से ही होता है, इनमें ज़्यादा होता है नॉर्मल बाइक्स में। बारिश में खड़ी रह जाना भैया कभी यार,
दीपी भाई उधर को मोड़ लेना, थोड़ा सा हैंडल मोड़ ले, हैंडल हाँ आगे बढ़ाते चला जाओ, आगे बढ़ाते रहो, हाँ जा जा थोड़ा स्लो। आप इसे ऐसे ऐसे करके जहाँ रस्टिंग है वहाँ भी लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि आप ये देखिए सारा रस्ट जो है और आगे बढ़ा ले। कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए ताकि आपके रस्ट पार्टिकल भी साफ हो जाए, और दूसरा ये जो इसका चिपचिपापन है वो भी इस पे साउट हो जाए डिस्प्ले पे से, ताकि आपकी ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल डिस्प्ले को आप अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए और फिर उसके बाद सर्फ से भी सफ़ा कर लीजिए। आई होप आपको ये व्लॉग कैसा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अपनी बाइक पे ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे। मैंने अभी अभी रिसेंटली हायाबुसा पे आपको ये करके दिखलाया, इसके डिस्प्लेट्स बिल्कुल क्लीन करके दिखलाया, इसका डिस्क ब्रेक का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी, आपकी डिस्प्लेट्स बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। और जो भी इस चीज़ को बाय करने चाहते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। और आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा ज़रूर बताइए।